शहर को तजावुजात से पाक करने के लिए ऑपरेशन नो जोन में आज तजावुजात पर रेड क्रॉस लगाए जाएंगे। कल से सफाया शुरू, पहले रोज दातागंज बख्श, शालामार जोन, सब्जाजार, अनारकरी, वेलिंगटन रोड और उर्दू बाजार में ऑपरेशन होगा। मेयर, डिप्टी कमिश्नर और DGLDA कयादत करेंगे। वजीर आला भी ग्रैंड ऑपरेशन की मंजूरी दे चुके हैं। लाहौर से फैसलाबाद के लिए नई नॉन स्टॉप ट्रेन, वजीर रेलवे शेख रशीद ने लाहौर रेलवे स्टेशन पर इफ्तिताह कर दिया। रेलवे की तरक्की मुल्क की तरक्की है, महकमे को आगे लेकर जाएंगे। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी की बेटी फिजा गिलानी के बेटे की गार्डियनशिप की दरख्वास्त मुस्तरद। बच्चा अभी छोटा है, माँ अकेली गार्डियन नहीं हो सकती, माँ और बाप दोनों को हकूक हासिल है। फैमिली अदालत, फिजा गिलानी की शोहर से अलहदगी हो चुकी है। नए पाकिस्तान में चीन से ताल्लुकात मजीद मजबूत और मुस्तहकम होंगे। चीन की तरक्की के मॉडल से सीखकर पाकिस्तान को भी तब्दील करना है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की अवामी जमहूरिया चीन के कौमी दिन पर चीन की हुकूमत, कयादत और आवाम को मुबारकबाद। सबको इल्म है इमरान खान ने पैसा खाना है, ना ही कहीं और खर्च करना है। गवाही देता हूं कि डैम बनने समेत लाखों काम होंगे। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का पीसी होटल में डैम फंड रेजिंग तकरीब से खिताब, कहती हैं कार खैर में, हिस्सा डालने वालों पर वावेला नहीं करना चाहिए। शेराकोट की खातून अतायत की भेंट चढ़ गई। मकबूला बीबी ने चंद रोज कबल अमजद क्लिनिक बक्कर मंडी से इंजेक्शन लगवाया। कूल्हे पर जख्म बनने के बाद हालत खराब होने पर खातून दम तोड़ गई। और PCB गर्ल्स स्कूल्स इंडोर क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज, कौमी खिलाड़ी बिस्मा मारूफ ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में इफ्तिताह किया। टूर्नामेंट में लाहौर के 16 स्कूल्स की टीमें शिरकत कर रही हैं। We'll be right back।